हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एएम फिटनेस। आप सभी ठीक होंगे। आज जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे उसके ऊपर टॉपिक है वजन बढ़ाने के रिलेटेड। काफी टीनेजर्स और पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं बच्चे की वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रहा, बॉडी वेट एक एवरेज वेट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ऐसी डाइट बताओ जो हम घर पे फुलफिल कर सकें। तो आज उसी पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो आजकल सबसे मेन कॉमन कंसर्न रहता है डाइजेशन का, हमें डाइजेशन कैसे इंप्रूव करना है। फर्स्ट फैक्टर, सुबह उठते जो आप पानी पीते हो, पानी कैसे पीना है? आपको पानी पीना है सिप सिप करके। उससे होगा क्या, जो सलाइवा आपके मुंह में वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, आपके डाइजेशन इंप्रूव करेगा, जो भी आप खाएंगे वो शरीर में लगेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमें अब डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प बताऊंगा, 500 कैलोरीज अब प्लस करो। अभी दूसरी बात आती है इसमें, 500 कैलोरीज में हम क्या लें। तो 500 कैलोरीज में आप बाहर का ना खाएं, बाहर का खाएंगे बर्गर पिज्जा एंड ऑल, तो उससे होगा क्या, आपकी बॉडी में ना स्ट्रेंथ रहेगी, ना स्टेमिना रहेगा, ना पावर रहेगी। ये अप डब टाइप का बॉडी बन जाएगा जो यूजलेस रहेगी, जिससे आप परेशान हो जाएगा उस वेट से। तो हमें एक क्लीन डाइट लेनी। क्लीन डाइट में क्या क्या आएगा वो अब बात करते हैं। क्लीन डाइट में आती है आलू, चावल, रोटी, दलिया, ये हो गए कार्ब्स के सोर्सेस। अब इसी को कितना लेना है ये बताता हूँ आपको। आलू लेने हैं 3 से 4, स्वीट पोटैटो भी ले सकते हैं इसके साथ, चावल 1 बाउल, रोटी 2 से 3 इसके साथ। और क्या इंक्लूड करेंगे, आपके घर में जो वेजिटेबल बनी है वो ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेज हैं तो 3 से 4 अंडे। 3 से 4 अंडों में अब बात आई कि व्हाइट खाएं येलो खाएं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप होल एग आप खा सकते हो, ठीक है। उसमें असेंशियल फैट जो आपको जरूरी है वो 3 से 4 अंडे से फुलफिल होगा। अब बात आती है नेक्स्ट फैक्टर, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हेल्प करती है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट अप करने में, ग्रोथ में, ठीक है। एक्सरसाइज सबके पास एक्सेस नहीं होता जिम में जाने का, या तो टाइम नहीं होता, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो हमें करना क्या है, एक्सरसाइज ऑन बॉडी वेट, जो जिम जा रहे हैं तो जिम में कर सकते हैं। ऑन बॉडी वेट में पुशअप, पुलअप्स, फ्री स्क्वाट्स, योगा, ये आप अपने डेली रूटीन में 20 से 30 मिनट हमेशा सुबह या शाम जब भी टाइम मिले वो इंक्लूड करें, तो ये आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है जो सब फैक्टरों को कंप्लीट करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप। आजकल बच्चों की स्लीप पूरी नहीं है, 7 से 8 घंटा रिकमेंडेड स्लीप लेनी चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। लेट नाइट तक मोबाइल में गेम खेलना, चैटिंग करना, सोशल मीडिया पे यूज अपना वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, तो इन चीजों से बचे, अपना 7 से 8 घंटा नींद पूरी करेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। होप मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे और अच्छे से समझ आया होगा, और डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।